Hello and welcome students in the classroom of Punya Study Circle. In this lecture we are going to learn about organization process. In our previous lecture we learned about what do we mean by organizations, what are the features, what are the objectives and the types of organizations that we can have. इस लेक्चर के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जिसको हम संगठन बोलते हैं या हमारा संगठनात्मक ढांचा बोलते हैं उसको विकसित करने के लिए हमें कौन सी क्रियाओं को करना पड़ता है, किस प्रकार के संबंध हमारे वर्क एनवायरमेंट में या हमारे वर्क साइट के ऊपर जहां हम कार्य करते हैं वहां एग्जिस्ट करते हैं और उसको किस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन या कौन सी विशेषताओं के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है। देखो बेटे, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने मस्ट स्टडी किया हो कि ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ऑर्गेनाइजेशन में भी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ आइडेंटिफाइबल पर्संस हु आर वर्किंग टुगेदर फॉर अटेनमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव, लोगों का एक ऐसा समूह, एक विशेष समूह जो सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक साथ कार्य करना स्वीकार करता है, या आप लोग एल एच हेने के वर्ड्स में बोल सकते हैं हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड पार्ट फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव, विशेष उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो हमारे विशिष्ट कार्य समूह है उनका मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। इस संगठन का विकास कैसे होता है वो प्रक्रिया हम अध्ययन करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से। हियर आई हैव मेंशन्ड द स्टेप्स दैट आर टू बी फॉलोड टू डेवलप एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। वेरी फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द वर्क एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप पैटर्न। सबसे पहले हम उन कार्यों को आइडेंटिफाई करेंगे, उन कार्यों की पहचान करेंगे जो कार्य हमारे उद्देश्य प्राप्ति के लिए हमें परफॉर्म करने हैं। फिर हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि उन कार्यों के अंदर कितनी विविधताएं हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य परफॉर्म किए जाते हैं, उनकी हेट्रोजेनिटी के आधार पर उन कार्यों को हम अलग अलग कर लेंगे। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क। वेरी फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई दोज टास्क विच आर टू बी परफॉर्म टूवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव, देन ऑन द बेसिस ऑफ देयर हेट्रोजेनिटी वी नीड टू डिवाइड और सेपरेट देम फ्रॉम ईच अदर। अब हमने इन कार्यों को अलग अलग कर लिया है क्योंकि इनकी प्रकृति अलग अलग है। देन वी मेक एफर्ट टू आइडेंटिफाई होमोजेनिटी अमंग सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज विच वी हैव डिवाइडेड एट द फर्स्ट स्टेप। पहले चरण में हमने जिन कार्यों को डिवाइड कर लिया है उनकी हेट्रोजेनिटी, उनकी विभिन्नता के आधार पर अब हम उनके अंदर वो समानताएं ढूंढने का प्रयास करते हैं जिन समानताओं के आधार पर हम उनको एक ग्रुप के अंदर एनक्लोज कर सकते हैं, उनको एक विभाग का स्टेटस प्रदान कर सकते हैं। जैसे हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है वहां पर एक परचेज यूनिट भी होती है, एक स्टोर कीपिंग चाहे कच्चा माल है, फिनिश गुड्स है हमारे या सेमी फिनिश गुड्स है उनको रखने के लिए भी एक विभाग होता है, एक प्रोडक्शन प्रोसेस को संचालित करने के लिए एक हमारी यूनिट होती है, या फिर हमारे पैकेजिंग वगैरह के यूनिट वहां पर हो सकते हैं या ट्रांसपोर्टेशन के यूनिट वहां पर हो सकते हैं। तो बहुत सारे कार्य होते हैं जो उत्पादन विभाग में किए जाते हैं, ऐसे ही बहुत सारे कार्य होते हैं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर भी किए जाते हैं। बिसाइड्स अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के अलावा अकाउंटिंग में भी हमें बुक कीपिंग करना पड़ता है, अकाउंट करना पड़ता है, फाइनल अकाउंट तैयार करने पड़ते हैं, वाउचर्स के रिकॉर्ड हमें मेंटेन करने पड़ते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। उसके अलावा एक हमारी इन्वेस्टमेंट यूनिट होती है, एक हमारी फंड प्रोक्योरमेंट यूनिट होती है। तो हम ये जो अलग अलग कार्य थे इनको हमने संगठित कर दिया एक विभाग के तौर पर, उसको बोलते हैं विभागीकरण या डिपार्टमेंटलाइजेशन। व्हेन वी ग्रुप आइडेंटिफाई एंड डिवाइडेड वर्क यूनिट्स into a particular department on the basis of their homogeneity or the similarity, that is called departmentalization। उसको हम विभागीकरण बोलते हैं ताकि व्यक्ति अपने ही जैसे दूसरे कार्य को देखता रहे जिसके अंदर उसका पूर्ण विकास हो जाए उस प्रकार के कार्यों को करने में। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। हमें यहाँ क्या करने होते हैं बेटे, पोजिशंस क्रिएट करने होते हैं, पोस्ट क्रिएट करने होते हैं, जॉब्स क्रिएट करने होते हैं। जो कार्य की सबसे छोटी इकाई होती है कोई भी कार्य संस्था में अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है उसको बोलते हैं पोजीशन। सो देर आर एज मेनी पोजीशन एज देर आर एम्प्लॉय, जितने कर्मचारी होते हैं उतने ही पोजीशंस हमारी संस्था में होते हैं। लेकिन जब हम किसी पोजीशन के साथ कोई नेचर ऑफ वर्क असाइन कर देते हैं कि इस कार्य की ये प्रकृति है उसको हम बोलते हैं पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल जो टीचर्स हमारे 9th, 10th, 11th, 12th में टीच करते हैं उनको हम बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। जो टीचर्स हमारे 6 to 8 टीच करते हैं उनको बोलते हैं हम टीजीटी टीचर्स, और जो हमारे प्राइमरी टीचर्स होते हैं उनको हम पीआरटी टीचर्स बोलते हैं। दोज ऑल आर कॉल्ड पोस्ट, उनको हम पोस्ट बोलते हैं। वो पोस्ट जो सिमिलर नेचर्स की होते हैं उनको हम जॉब बोलते हैं, जैसे टीचिंग जॉब। हर एक के अंदर हमें
टीचिंग ही करनी पड़ती है, तो वो सारे के सारे जो पोस्ट है हमारे एक ही तरह साथ क्या कहलाएंगे, जॉब कहलाएंगे, अकाउंटेंट जॉब, मैनेजर जॉब, या फिर टीचिंग जॉब, या फिर डॉक्टर जॉब, वो सारे के सारे हमारे जॉब्स कहलाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, जो भी कार्य कोई डिपार्टमेंट करेगा वो डिपार्टमेंट के द्वारा किए जाने वाले कार्य को स्मॉल परफॉर्मेबल पीस ऑफ वर्क में डिवाइड करना है, ताकि हर एक पीस को हम हर एक व्यक्ति को असाइन कर सके छोटे छोटे हिस्सों में, ताकि वो व्यक्ति बार बार अगर उस कार्य को करे तो उसको विशिष्टीकरण या स्पेशलाइजेशन उस कार्य के अंदर प्राप्त हो जाए, वो दक्ष हो जाए, वो प्रोफिशिएंट हो जाए उस कार्य के अंदर, एंड ही बिकम्स एबल टू परफॉर्म दैट वर्क विद अ बेटर क्वालिटी इन लेस टाइम एंड एट लेस कॉस्ट, कम से कम लागत पर, कम से कम समय में अधिक गुणवत्ता के साथ उस कार्य को किया जा सके। और उसको विद इन डिपार्टमेंट उसकी पोस्ट को भी हम रोटेट करते रहते हैं, ताकि जब आप एक काम सीख जाए, आप बुक कीपिंग सीख जाए तो आपको अकाउंटिंग का वर्क दिया जाए, जब आप अकाउंटिंग का वर्क सीख जाए तो आपको बस्टिंग का टास्क दिया जाए, फिर आपको फंड प्रोक्योरमेंट जो यूनिट है हमारे डिपार्टमेंट के अंदर उसमें कार्य करने का अवसर मिले, या फिर इन्वेस्टमेंट यूनिट के अंदर आपको कार्य करने का मौका मिले, ताकि आप एक डिपार्टमेंटल मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोट होने के लिए एक इफेक्टिव एंड कॉम्पिटेंट टैलेंट के तौर पर उभर के अपने डिपार्टमेंट से बाहर आए। वो कहलाता है हमारा असाइनमेंट फॉर ड्यूटी। हमने क्या किया, छोटे छोटे परफॉर्मेबल यूनिट्स ऑफ वर्क आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब हर एक पीस ऑफ वर्क के साथ हम क्या करेंगे, वो पोस्ट कहलाते हैं हमारे, हर एक पोस्ट के साथ हम सेट ऑफ ड्यूटीज, मतलब उसको क्या क्या कार्य करना है उसका जॉब डिस्क्रिप्शन हम उसके साथ अटैच कर देते हैं, एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड रिक्वायर्ड अथॉरिटी इन ऑर्डर टू परफॉर्म दोज टास्क विच आर असाइन टू द पर्टिकुलर पोस्ट इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। केवल कार्य देने से कार्य नहीं हो जाता है, उस कार्य को करने के लिए हमें आवश्यक मात्रा में अधिकार भी उस पोस्ट के साथ अटैच करने पड़ते हैं। हमने पोस्ट को आइडेंटिफाई कर लिया है डिपार्टमेंट के अंदर कितने सारे पोस्ट रहेंगे हमारे, और हर एक पोस्ट को हमने कुछ कार्य दिए हैं, और उन कार्यों को करने के लिए पर्याप्त मात्रा में हमने उनको अधिकार दे भी दिए हैं। ये अधिकार दो तरह से दिए जा सकते हैं, या तो टेम्पररी तौर पर जिसको हम डेलीगेशन बोलते हैं, जब आपके सुपीरियर ऑफिसर आपके साथ कोई अथॉरिटी टेम्पररीली शेयर करते हैं जिसको वो इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, या ऑल टुगेदर विड्रू भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डेलीगेशन। लेकिन जब आपको स्थायी तौर पर अधिकार दे दिए जाते हैं संगठनात्मक ढांचे के तौर पर, तो आप उन अधिकारों के स्वामी हो जाते हैं, आप अकाउंटेबल हो जाते हैं अपने सुपीरियर को उस कार्य समूह के लिए, तो उसको बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन। तो आपको अधिकार भी दिया गया और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज या आपके ड्यूटीज या वर्क यूनिट भी आपको असाइन कर दिया गया, दैट वाज थर्ड स्टेप। अब हम क्या करेंगे, एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप पैटर्न। जितने भी हमारे पोस्ट हैं विद इन डिपार्टमेंट एंड अक्रॉस लाइन अथॉरिटी, हम उसके अंदर एक सबोर्डिनेट सुपीरियर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने वाले हैं। दैट मीन्स आपके उच्च अधिकारी कौन रहेंगे, जिनसे आपको आदेश प्राप्त होगा, जिसको आप आंसरेबल रहेंगे, और आपके जो अधीनस्थ हैं, जो सबोर्डिनेट्स हैं, वो कौन रहेंगे, जिनको आप ऑर्डर दे सकते हैं, जो आपको आंसरेबल रहेंगे, और वो व्यक्ति कौन रहेंगे जो आपके कलीग्स हैं, मतलब आपके सह कर्मचारी हैं, आप ही के स्टेटस पर कार्य करेंगे। ऐसा करने से हमारे संगठन के अंदर अथॉरिटी का फ्लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो, कम्युनिकेशन का अकाउंटेबिलिटी हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम टारगेट इजिली असाइन कर सकते हैं, और हमारी संस्था को एक मैकेनिज्म मिल जाता है जो मैकेनिज्म हमारी उद्देश्य प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है। दीज आर द फोर स्टेप्स विच आर फॉलोड बाय डेवलपिंग एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारा विकसित हो जाता है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विकसित हुआ है, इट डज हैव टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। यहां दो तरह के संबंध हमारे एग्जिस्ट करते हैं। एक वो संबंध जो ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टैब्लिश किया है, जिसका इमोशन से, जिसका एज से कोई भी कंसर्न नहीं है, ये हमारे टैलेंट के ऊपर, हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर, हमारे कॉम्पिटेंसी के ऊपर बेस होता है कि हम क्या कार्य कर सकते हैं, कितने अच्छे से कर सकते हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कितने प्रेशर को हम बेयर कर सकते हैं, किस प्रकार के निर्णय या कितने अच्छे निर्णय हम ले सकते हैं। वेल डिफाइंड रिलेशनशिप होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और जहां हम एक साथ कार्य करते हैं, वहां उन लोगों के साथ जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, एक इमोशनल अटैचमेंट भी हमारा डेवलप हो जाता है, एक फ्रेंड सर्कल भी हमारा क्रिएट हो जाता है, जो समय के साथ साथ बदलता रहता है, काफी डायनेमिक होता है। पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, उसको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। एक हमारा होता है फॉर्मल, दैट मीन्स आधिकारिक हमारा जो संबंध होता है, एक हमारा अनौपचारिक संबंध होता है, जिसको हम इनफॉर्मल रिलेशनशिप बोलते हैं। अब हम यही जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे यहां जो वर्क साइड रिलेशनशिप है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं औपचारिक, एक होते हैं अनौपचारिक। औपचारिक की क्या विशेषताएं होती हैं, अनौपचारिक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। लेट मी टेल यू व्हाट डू वी मीन बाय फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मींस एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज हैविंग वेल डिफाइंड अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट पोस्ट। यहां व्यक्तियों के मध्य कोई भी रिलेशनशिप नहीं है कि कोई आपके चाचा है, कोई आपके ताऊ है, कोई आपके अंकल है, नहीं, ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। कोई यहां पर केवल एक ही रिलेशनशिप है, सीनियर और
जूनियर का रिलेशनशिप, वो अथॉरिटी जो एक पोस्ट को दी गई है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कार्य समूह जो उसको दिया गया है, और वो रिलेशनशिप जो एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन ने किया है अकॉर्डिंग टू इट्स पॉलिसी, वही कहलाता है हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और इसको डिफाइन किया है चेस्टर बर्नार्ड में, व्हेन एक्टिविटीज ऑफ टू और मोर पर्संस आर कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड टुवर्ड्स कॉमन गोल, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के कार्य को हम सोच समझकर एक दूसरे के साथ समन्वित करते हैं सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तो इसे हम औपचारिक संगठन कहते हैं। अनौपचारिक संगठन से अभिप्राय क्या है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज द नेचुरल आउटकम ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन इंटरेस्ट रिलेशंस एंड हैविंग सेम काइंड ऑफ इंक्लिनेशन एंड वैल्यू सेट। एक तरह के हमारे मूल्य होते हैं, हम एक धर्म से बिलोंग करते हैं या हम एक ही साइड पे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, मिल बैठ के बातें करते हैं, इसकी वजह से जो स्पॉन्टेनियस रिलेशनशिप हमारा एमर्ज होता है, जो काफी डायनेमिक होता है, बदलता रहता है, हम वो व्यक्ति चाहे हमारे जूनियर ही क्यों नहीं है, अगर उनके पास किसी कार्य का बहुत ज्यादा अनुभव है तो उनको हम इनफॉर्मल ग्रुप में अपना लीडर मान सकते हैं, चाहे हम मैनेजर ही क्यों ना हो। तो जब भी हम डिसीजन लेंगे, हम उनके ओपिनियन को फॉर्मली तो नहीं ले सकते क्योंकि हम मैनेजर हैं, अथॉरिटी हमारे पास है, और वो थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगेगा कि एक मैनेजर एक वर्कर से जाकर ये पूछता है कि मैं अपने कार्य को किस प्रकार से कर सकता हूं। लेकिन इनफॉर्मली एज ए फ्रेंड हम एक दूसरे से पूछ सकते हैं कि हाँ, अगर आपको कार्य का अच्छा ज्ञान है तो आप हमें सुझाव दें ताकि हम उस सुझाव को संस्था में लागू करें जिसका लाभ सबको मिले। जस्ट बर्नार्ड ने क्या कहा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन म्यूचुअल रिलेशनशिप आर एस्टैब्लिश अनकॉन्शियसली अमंग द पीपल हु आर वर्किंग टुगेदर फॉर कॉमन ऑब्जेक्टिव, सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो अनकॉन्शियसली अविचारणीय संबंध स्थापित हो जाते हैं एक साथ काम करने की वजह से, उसको हम अनौपचारिक संगठन कहते हैं। अब हमें इन दोनों संगठन की विशेषताओं का अध्ययन करना है। Here I have mentioned the features, well-defined relationship, जो formal organization होती है, उसमें पूर्व परिभाषित संबंध होता है, कौन आपका superior officer रहेगा, कौन subordinate रहेगा, किससे आप order लेंगे और इनको आप order देंगे। फिर है based on division of work, yes definitely this kind of relationship is established after division of work and departmentalization। ये जो formal organization structure या औपचारिक संगठन होता है, यहाँ ये कार्य के विभाजन के तौर पर होता है, किस प्रकार का कार्य, किस प्रकार के निर्णय कौन से पोस्ट के द्वारा लिए जा रहे हैं। अगर आप स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं देन यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, अगर आप फंक्शनल या स्पेशलाइज्ड विशिष्टीकरण के डिसीजन लेते हैं तो आप फंक्शनल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट रहेंगे, लेकिन अगर आप कार्य से संबंधित निर्णय लेते हैं, सुपरवाइज करते हैं, लोगों के कार्य में मार्गदर्शन करते हैं, प्रैक्टिकली जहां वर्क को परफॉर्म किया जाता है, तो आप ऑपरेशनल मैनेजर रहेंगे। अगर आप कार्य को एक्चुअल में कर रहे हैं तो आप वर्कर रहेंगे, कर्मचारी वहां पे संस्था में रहेंगे। तो ये डिवीजन ऑफ वर्क के आधार पर होता है, किस व्यक्ति को किस तरह का कार्य दिया गया है, कितने अधिकार किसके पास हैं, किसके पास कितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। देन डेलिब्रेटली क्रिएटेड, ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ये संबंध है जो हमारे, ये अपने आप क्रिएट नहीं होते हैं, वी हैव टू थिंक ऑन देन, वी हैव टू फॉलो ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोसेस, वी हैव टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन पैटर्न्स, असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डेलीगेट अथॉरिटी। ये सारा काम हमें सोच समझकर बहुत ज्यादा विचार विमर्श के बाद करना पड़ता है, इसीलिए इसको हम इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। Then we are coming to impersonal. यहाँ in this kind of organization structure we are having no place for emotions and personal relationship. Emotions यहाँ पर matter नहीं करते हैं, age यहाँ पर matter नहीं करता है, यहाँ पर matter करता है आपकी qualification, आपका experience, आपका talent. ये जो define किया है relationship, might possible that the father is working as a simple clerk but his son has become the chief financial officer. उसी संस्था के अंदर जहां फादर आपके एज एन क्लर्क काम कर रहे हैं, वहां पर बेटे को CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की जॉब मिल जाए, इन दैट केस हिज फादर विल बी जूनियर टू हिम, वो जूनियर ही कहलाएंगे, उनको आप सीनियर नहीं बोल सकते, एंड ही विल बी बॉन्ड टू रिसीव इवन ऑर्डर फ्रॉम हिज सन, अपने बेटे से ऑर्डर लेने के लिए वो बाध्य रहेंगे और आंसरेबल भी रहेंगे। फिर बात करते हैं मोस्ट स्टेबल, इस प्रकार का जो हमारा संबंध होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, संबंध हमारा चेंज नहीं हो सकता, यू मे लिव द जॉब और यू मे ज्वाइन सम अनदर जॉब, वट एवर काइंड ऑफ रिलेशनशिप हैज बीन लेड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड रूल्स यू मस्ट फॉलो बाय इट एंड गो बाय इट। आपको वही संबंध मानना पड़ेगा जो संस्था ने स्थापित किया है, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते दैट नो माई डैड मस्ट बी माई सीनियर ऑफिसर सो प्रमोट हिम सो दैट आई कैन ओबे द ऑब्लिगेशंस दैट आई सोशली हैव टुवर्ड्स हिम। ऐसा कोई भी रिलेशनशिप हम चेंज नहीं कर सकते, वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्धारित किया जा चुका है। फिर बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के पीछे बेस्ड ऑन फॉर्मल स्ट्रक्चर। देखो
जो हमारे आपसी संबंध है वो किस वजह से विकसित होते हैं, जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है एक साथ काम करने की, एक ही संस्था में काम करने की, उस समय हमारे अंदर इमोशंस क्रिएट हो जाते हैं, फीलिंग्स क्रिएट हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट या डिसगस्ट आता है। तो वो किस आधार पर आता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर आता है, क्योंकि हम एक साथ नियमों के अनुसार कार्य करना स्वीकार कर लेते हैं। फिर आता है नो रिटर्न रूल्स एंड प्रोसीजर, जैसा कि हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में होते हैं पूर्व निर्धारित नियम होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, यहां पर कोई रूल्स नहीं है। यू मे टॉक द पीपल यू वॉन्ट एज ए फ्रेंड, हम अपने सीनियर मैनेजर से भी ये करके बात कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मली हमें उनको एक फॉर्मल एड्रेस ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ कोई रूल्स नहीं है, यहाँ कोई प्रोसीजर नहीं है, हम अपने विम्स अपने डिस्क्रिप्शंस के आधार पर ही कम्युनिकेशन करते हैं, बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ। इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारा, वहां टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप हमारा कम्युनिकेशन होता है, नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे जाते हैं, नीचे से हमारे सजेशन जाते हैं, आंसर्स जाते हैं, वर्क स्टेटस जाता है, ऊपर से हमारा ऑर्डर्स आते हैं, इंस्ट्रक्शन आते हैं, सजेशन आ जाते हैं। तो वो चीज क्या होती है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होती है जिसमें बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम हमारा कम्युनिकेशन होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वो ग्रेफाइन हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, या वो अनडिफाइंड स्ट्रक्चर हो सकता है, रैंडम हो सकता है, स्ट्रेटिफाइड हो सकता है, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हो सकता है। तो यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं होती है कम्युनिकेशन की, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी मैनेजर के साथ, किसी भी विभाग के कर्मचारी के साथ आप लोग बातचीत कर सकते हैं। अनकॉन्शियस क्रिएशन, ये सोच समझ कर निर्धारित नहीं किया जाता, ये हमारे वर्किंग बिहेवियर का एक नेचुरल फिनोमिनन होता है, स्पॉन्टेनियस ऑकरेंस होती है, अपने आप से विकसित हो जाता है। फिर बात करते हैं नो प्लेस इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपके ऑर्गेनाइजेशन में शो किया जाएगा, दैट वेरी फर्स्ट वी आर हैविंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, देन वी आर हैविंग द सीएफओ सीईओस, देन वी आर हैविंग जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट्स एक्सेट्रा। सो वहां पर इसके लिए कोई भी स्पेस नहीं होता कि हम ये बताएं कि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर लीडर्स कौन है, बिकॉज दे कीप चेंजिंग। वहां पर जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो लीडरशिप है, अथॉरिटी है, फॉलोअर्स है, वो सब कुछ हमारा चेंज होता रहता है, इसलिए इसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में स्थान नहीं दिया जाता। बट इट डजंट मीन दैट इट इज ऑफ नो रिलेवेंस, इट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल टू मैनेजर्स इन डिस्चार्जिंग देयर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर पाए कि इनफॉर्मल ग्रुप के लीडर्स कौन है, तो आप उनको इन्फ्लुएंस करके, उनको अप्रोच करके वो कार्य करवा सकते हैं वर्कर से, जो ओल्ड हार्स में वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपकी संस्था के लिए करना। फिर बात करते हैं इट इज द पर्सनल, देखो जो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है दैट इज इम्पर्सनल, दैट मीन्स इमोशनली अनसाइलेंट, इमोशनली साइलेंट होता है हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसके अंदर भावनाओं का कोई महत्व नहीं है, आपसी पर्सनल रिलेशनशिप का कोई महत्व नहीं है, लेकिन ये केवल पर्सनल रिलेशनशिप के आधार पर ही होता है। जो आपका जूनियर कर्मचारी है, अगर वो एज में आपसे ज्यादा है, तो आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं अंडर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देन फाइनली लैक स्टेबिलिटी, इस प्रकार का जो हमारा संबंध होता है, जो वर्किंग एनवायरमेंट की क्रिएशन होता है, जो हमारे कॉमन एटीट्यूड्स, कॉमन फीलिंग्स, वैल्यूज के आधार पर क्रिएट होता है, इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, हमारे फ्रेंड्स हमारे एनिमी टर्न हो जाते हैं, एनिमी हमारे फ्रेंड्स टर्न हो जाते हैं, इस प्रकार से बदलाव चलता रहता है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, वी लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कीप वॉचिंग अस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, वी आर कमिंग वेरी सून विद द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, दैट मीन्स फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड हमारे जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोग बेटे, फिर से आपको बार बार बोला जाता है कि आप लोग अपने कार्य में उसी प्रकार से लीन रहें जैसे आप रहते अगर आपके फॉर्मल क्लासेस कंडक्ट होते। अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियोस को और इसको शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सो दैट सभी उसको एंजॉय कर पाए, अपने स्टडीज को सुचारू रूप से कर पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।